हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी मैं नहा धोकर कम्प्लीटली मैं तैयार हो चुकी हूँ। सिर्फ मेरे को सिटीएम वगैरह करना बाकी है। और सोचा मैंने कि आज बहुत दिन हो गए, यानी 7-8 दिन, तो 7 दिन तो हो ही गए हैं कुछ, कि बेड की बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो थोड़ा जल्दी चिकुना रहे हैं, तब तक तो मैं ये सब निपटा लेती हूँ। ये फिर वो आएंगे ना, बहुत गुस्सा करेंगे, सुबह सुबह क्या काम लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, इसलिए वो चलते हैं बड़े। बेडशीट तो लग चुकी है, बस मैं पिलो कवर्स ही लगा रही हूँ। बेड का काम कंप्लीट, अब मैं कर लेती हूँ मेरे फेस पर फिर सिटीएम। और आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज मंडे है, तो क्यों ना मंदिर जाया जाए। चिकू को पूछते हैं क्या बोलते हैं, अगर वो अग्री करते तो आज मंदिर चलेंगे। मैंने एक चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, तो मैं आपको बताती हूँ क्या ऑर्डर करी थी। वो ये चीज़ मैंने ऑर्डर करी थी, ये है ना, डोर के नीचे लगने वाला है। तो मैं आपको इसको लगा के फिर बताऊंगी, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलने वाला। ये मिशेल का और आ गया है सामान, वो भी लेके जा रहे हैं। अंदर आ जाओ। कैसी जा रही है? हाँ, ये तुम कोई बैठा करेंगे? क्या गंदा है ये? हाँ, कोई नहीं, बैठ जाओ। तुम मैं बैठूंगी। अभी हो गए हैं दर्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा था आज मंडे है तो हम मंदिर जा सकते हैं, तो हम आ गए, मंदिर और दर्शन भी हो गए। तो अब जाते हैं बैक टू वर्क, शॉप पर जा रही हूँ मैं अभी। तो चलिए, अभी जा रही हूँ घर पे खाना बनाने, और अभी बज रही है 11:30, तो घर पे खाना बना के फिर आती हूँ शॉप पर। मैंने मेरे हेयर में चंपी करा लिए अभी। मैं गई थी खाना बनाने के लिए, उस टाइम से मैं वापस सैलून पे आ ही नहीं पाई थी। अभी मैं 4 बजे ही आई हूँ, क्योंकि निपेश की तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, उनको बुखार आ गया था। क्या पता शायद पानी में इतनी देर रहे हैं और बहुत टाइम बाद ऐसे वेदर में भी बाहर रहे हैं, इस वजह से, और थकान से उनके हाथ पैर भी बहुत दर्द हो रहे थे, तो बुखार आ गया था 104। तो मैं तो डर गई थी, इसलिए मैं इधर आई ही नहीं। अभी थोड़ा सा सही है, उनको यहाँ पे लेके आई, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होगा, उससे उनका मन अच्छा लगा रहेगा यूँ करके। तो अभी हम जा रहे हैं वापस से घर पे, और बालों में अच्छे से चंपी कर दी है, चिपकू चिपकू बन गई हूँ मैं, कल अब बालों को वॉश करूँगी। मैं मेरे और पापा के लिए तो चाय बनाई रही थी, फिर मैंने चिकू को पूछा चाय पी नहीं ऐसा, तो फिर चिकू बोले कि हाँ बना दो। बहुत गजब आज, यानी
मैंने तो मेरी शादी के बाद कभी इनके मुँह से यूँ नहीं सुना कि मुझे चाय पीनी है, मेरे लिए चाय बनाओ, क्योंकि वो पीते ही नहीं है चाय, और मुझे अच्छी लगती है पर मैं पीती नहीं हूँ। तो आज मेरे पापा के लिए और चिकू के लिए, तीनों के लिए मैं चाय बना रही हूँ। चाय बन रही है और ये अदरक मैंने यहाँ पर कूट दिया है। ये हमारी चाय यहाँ पर उबल रही है, ये जब तक पकती है तब तक हम चिकू के पास जाके उनसे बातें करते हैं। बताओ ना, सही लग रहा? ठीक है ना अब? ठीक है, बुखार अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। वो थोड़ी देर के लिए डराने के लिए आ गया था। डर लगती है, हम कहीं बाहर जाके आए इसलिए। वही तो, दवाई ले ली इसे, सही हो गया एकदम कंप्लीट रेडी। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। आज मैं जनाब की वजह से कुछ भी शूट नहीं कर पाई और मैं शॉप पे भी नहीं जा पाई क्योंकि बीमार होके पड़े, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। क्या करूं, बुखार आ रहा है बहुत ज़्यादा, 104 आ गया था बुखार, अभी उतरा है थोड़ा सा। मैंने बोला कि तुम ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ, थोड़ा सही हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा, दवाई भी दी है। सही हो जाओ यार, ऐसे बीमार मत रहा करो, सच्ची में अच्छा नहीं लग रहा। बाद इसलिए मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे बीमार होते हैं ना तो मेरे को परेशान करना अच्छा नहीं है। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता यार, जल्दी से तो मस्ती करते हुए ही अच्छा लगता पूरे रूम में कूदते रहते हुए एक पाँव पे इधर उधर इधर उधर, और मेरे को व्लॉगिंग में बहुत परेशान भी करते हैं। हमने कहा था चिल करो, वहाँ स्विमिंग पूल में जाके गोते खाने गए थे, गोते खा खा के बीमार ले बीमारी हो के आ गए। पर बार बार तो नहीं जाने मिलता, पर इतना प्लीज अब मत जाना और बीमार होके भी मत आना, जाओ एंजॉय करो पर बीमार होके मत प्लीज। ठीक है, पर अभी थोड़ी जा रहे हैं। हाँ अभी तो वैसे ही मैं तुमको नहीं जाने देने वाली कितने टाइम तक, पास में भी नहीं रह सकती थी दूसरी इस कॉल तो हटते तो हुई, अड़े भी घर तो मैं रहूंगी, फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मैं खुद। तुम खुद, वो भी सो सो के खराटे मार मार के। चलो अब रेस्ट करो, ठीक है दवाई दे दो। ठीक है दवाई दे देती हूँ। आज का व्लॉग बना होगा बहुत ही छोटा क्योंकि आज चिकू की तबीयत अच्छी नहीं है और मुझे भी मूड नहीं है व्लॉग करने का, क्योंकि मन लग ही नहीं रहा क्योंकि पूरा दिन हंसते खेलते रहते हैं ना, फिर वो बीमार की तरह ऐसे सोए रहते हैं अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के साथ कर रही हूँ मैं व्लॉग का एंड, कल तक इनकी तबीयत एकदम सही हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, कल तक क्या रात को ही सही हो जाना। तो ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, ऐसे व्लॉग में ना मिले बस।